यमा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। दोस्तों, ये गाना सुनते ही आपके जहन में भी 80 के दशक में रिलीज हुई फिल्म शान का नाम आता होगा, जो पर्दे पर भले ही ज्यादा कमाई ना कर पाई हो, पर ये फिल्म बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में से एक है, जिसे इतना यादगार बनाया इस फिल्म के विलेन शाकाल ने, जिनका लुक जितना ज्यादा खौफनाक था उससे भी कई ज्यादा डरावना इनका बोलने का अंदाज था, जिसे पर्दे पर इतना बखूबी उतारा था अभिनेता कुलभूषण खरबंदा ने, जो इस किरदार को निभा करके स्टारडम की नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इनके परिवार का इतिहास क्या है? ये किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं? इनके परिवार में कौन कौन है और किस तरह से इन्होंने अपने परिवार से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी? इन सब सवालों का जवाब आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, आपको इनके परिवार का इतिहास बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शान मूवी में शाकाल की भूमिका पर्दे पर बखूबी उतार कर मशहूर होने वाले अभिनेता कुलभूषण खरबंदा का जन्म एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था, जिनकी फैमिली लाइमलाइट से काफी दूर रही थी, और इसी के चलते इनकी फैमिली के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। पर खबरों के मुताबिक बताया जाता है कि कुलभूषण खरबंदा के पिता पेशे से एक बिजनेसमैन थे, जिन्होंने कई सालों पहले अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की से शादी की, जिसके बाद इस दंपत्ति ने दो बच्चों को जन्म दिया, जिनमें कुलभूषण खरबंदा और उनकी एक बहन शामिल थी, जिनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं इस फैमिली के स्टार कुलभूषण खरबंदा की। कुलभूषण खरबंदा का जन्म 21 अक्टूबर 1944 को पाकिस्तान में हुआ था, जिसके बाद इनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहां से इन्होंने अपनी आगे की स्कूल की पढ़ाई जारी की और किरोड़ी मल कॉलेज दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की, तो आपको बता दें कि इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक रहा है, जिसके चलते इन्होंने एट टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अपनी एक्टिंग सीखी, जिसके बाद अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने यात्रिक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जिसमें इनके अभिनय को देखते हुए इन्हें साल 1974 में आई फिल्म निशान से इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला, जिसके बाद इनके अभिनय को देखते हुए निर्माता और निर्देशकों ने इन्हें कई और बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका दिया, जिनमें वीराना, फायर, लगान, शान, जुनून, कलयुग और जो जीता वही सिकंदर जैसी फिल्में शामिल हैं। जिन फिल्मों में इन्हें कभी विलन के तौर पर देखा गया, तो कभी एक पिता और दोस्त की भूमिका निभाते हुए देखा गया, और इन्होंने अपने हर एक किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा, जिस वजह से आज इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं। फिल्म के बाद इन्हें टीवी सीरियल में भी देखा गया, जिनमें शानों की शादी और माही जैसे सीरियल्स शामिल हैं। वर्तमान में इन्हें वेब सीरीज मिर्जापुर में भी देखा गया था, जिसमें इन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था। प्रोफेशनल लाइफ के बाद बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो बता दें कि इन्होंने काफी सालों पहले महेश्वरी देवी खरबंदा से शादी की थी, जो प्रतापगढ़ के महाराजा राम सिंह की बेटी और कुलभूषण खरबंदा से शादी करने से पहले कोटा के महाराजा से शादी कर चुकी थी, मगर उनके साथ इनका रिश्ता कुछ खास नहीं रहा और फिर इन्होंने कुलभूषण खरबंदा से शादी की, जिनकी इस शादी से आज इनकी एक बेटी है, जिनका नाम श्रुति खरबंदा है, जो कि इंडस्ट्री की एक जानी मानी ज्वेलरी डिजाइनर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रुति खरबंदा साल 2018 में रोहित नावेल से शादी कर घर बसा चुकी हैं, और इनकी शादी काफी चर्चाओं में भी रही थी, क्योंकि इन्होंने उसी उम्मेद भवन पैलेस में अपनी शादी रचाई थी। तो आपको लेजेंडरी कलाकार कुलभूषण खरबंदा की फैमिली से रूबरू होकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।